हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप विद प्रियंका। तो मैं आज और एक बार आ गई हूँ आप लोग के साथ और एक नया व्लॉग लेके। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली ये जो ब्लॉग है हम लोगों का, तो हम लोग आज जा रहे हैं, एक्चुअली कल गए थे हम लोग, येस्टरडे जो आज मैं ब्लॉग निकालने वाली हूँ, कल हम लोग गए थे हस्तशिल्प मेला में जो कि इको पार्क गेट 1 के वहाँ पर हो रहा है। वो आपका 17 दिसंबर तक ही होगा। तो अगर वीकेंड का अगर प्लान है आप लोगों का कहीं पर जाने के लिए, तो फिर आप लोग हस्तशिल्प मेला पे जा सकते हैं, एज बिकॉज वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा। हम लोगों ने बहुत कुछ खरीदे वहाँ से, तो आप लोग वहाँ पर जा सकते हैं। तो मैं, सौरभ भैया, भाभी, पीहू और माँ, तो सब लोग पूरा फैमिली लेके हम लोग एक साथ चले गए थे। तो लेट्स गो। तो अभी हम लोग नियर बाई विश्व बांग्ला गेट के वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो थोड़ी देर टाइम लगेगा क्योंकि घर से थोड़ा टाइम ही लगा था हम लोगों को जाने में, एज़ बिकॉज वहाँ से तो थोड़ा डिस्टेंस तो है ही, एक घंटा तो लगेगा ही। तो फाइनली मस्ती मजाक करते करते हम लोग एक साथ आ गए हैं हस्तशिल्प मेला में, जो कि कोलकाता में एक बार ही होता है, साल में एक बार ही होता है। वो आपका फिर से मैं बता दे रही हूँ, लास्ट वीक मतलब कमिंग वीक 17 दिसंबर तक ही होगा। तो आप लोगों को अगर जाना है तो जल्दी जल्दी जाइए। तो इस बार बहुत बड़ा करके हुआ है, लास्ट बार से भी बहुत बड़ा करके हुआ है। तो आप लोगों का सामान का चीज़ जो लोग आप डेली यूसेज करते हैं वो भी आपको हस्तशिल्प मेला में चला जाएगा। फिर उसके बाद घर डेकोरेट करने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है यहाँ पर, तो वो भी आपको हस्तशिल्प मेला में मिल जाएगा। तो आप लोग वेट मत कीजिए इस वीक में, या फिर आज सैटरडे संडे इस वीक में, फिर कमिंग वीक सैटरडे संडे 17 दिसंबर तक है। तो आप लोग जा सकते हैं, बहुत कुछ मिल रहा है डेकोरेट करने के लिए, बहुत अच्छा चीज़ मिल रहा है। हम लोगों को सच में बहुत अच्छा लगा कि इतना कुछ मिल रहा है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत बार्गेनिंग करना पड़ेगा, तो बिकॉज वो लोग एज़ यूजल बढ़ा चढ़ा के प्राइस तो बोल ही रहा है, तो आप लोगों को एक बार देखना पड़ेगा। तो ये रहा आपका पार्किंग एरिया जहाँ पर आप लोग अपना फोर व्हीलर टू व्हीलर सब कुछ पार्क कर सकते हैं। तो ये जगह बहुत बड़ा है, एक बार पुलिस लोगों से एक बार पूछ लीजिएगा कहाँ पर पार्किंग एरिया है, वो लोग आप लोग को दिखा देगा। बहुत लोग हैं वहाँ पर हेल्प करने के लिए, आप लोगों को दिखा देगा कहाँ पर आपका पार्किंग हो रहा है। तो एज़ यूजल जैसे मैंने आप लोगों को बोली थी कि इस बार हस्तशिल्प मेला बहुत बड़ा करके हुआ है, ताकि मैं आप लोगों को अभी मैं बता दूँ, ये वाला एक्चुअली लेफ्ट साइड में है, जो आप जहाँ से जा रहे हैं, जो मेन रोड से जहाँ पर आप लोग पार्किंग तक आप लोग जा रहे हैं, ये साइड आपका पड़ेगा लेफ्ट साइड में, जो ओपन एरिया है ये भी आपका हस्तशिल्प मेला के साइड पे ही है। बट मेन जो हस्तशिल्प मेला जो जहाँ पर हो रहा है, वो जगह एक्चुअली आपका मैं बता दूँ, वो जगह थोड़ा छोटा एरिया है, और ये वाला जगह लेफ्ट साइड में जो जगह है यहाँ पर बहुत बड़ा करके पूरा आपका हस्तशिल्प मेला, ये मतलब क्या बोलो, वुडन का या फिर मतलब घर सजाने के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा, ताकि आप लोग, मैं दिखा ही रही हूँ आप लोगों को, आप लोग देख सकते हैं टेबल, चेयर, टूल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेराइटीज़ आपका बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, एज़ बिकॉज घर सजा भी सकते हैं आप लोग, और इसके साथ आप लोगों का यूसेज भी होगा। यहाँ पर देखिए ट्रे मिलेगा आपको, घड़ी मिलेगा, मतलब बहुत कुछ, ऑल आर वुडन, प्योर वुडन है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि कितना अच्छे से ये लोग सजा के रखे हैं, और ये लोग बिक रहे, ये सब बिक रहा है, ये सब भी मतलब जो अभी देख रहे हैं आप लोग, ये सब भी बैठने का सेट है, सब वुडन का है। एरिया बहुत बड़ा करके बैठा है, मतलब लेफ्ट साइड वाला एक्चुअली बहुत बड़ा करके एरिया है। एक्चुअल जो हस्तशिल्प मेला का जो गेट है जहाँ पर आप लोग घुसेंगे अंदर में बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को, वो वाला एरिया थोड़ा छोटा है, बट ये वाला एरिया सच में बहुत बड़ा है, ताकि आप लोग यहाँ पर घूम के आपके घर का सामान
मतलब चीज़ आप लोग ले सकते हैं, पूरा हैंडक्राफ्टेड जैसे आप लोग बोलते हैं। हम लोग बहुत पसंद करते हैं बंगालीज लोग कि हैंडक्राफ्ट हम लोग को घर में रखना है, ताकि घर का जो रौनक है वो भी अच्छे से आए। तो आप लोग ले सकते हैं यहाँ पर आके। तो चलिए लेट्स गो, मैंने बहुत कुछ बोल दिया आप लोगों को, तो लेट्स गो, मैं आप लोगों को पूरे एरिया में घुमा के मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा कैसा है, क्या क्या है और आप लोग क्या क्या ले सकते हैं यहाँ से।
तो अभी तक जितना सब कुछ मैंने आप लोगों को दिखाई थी वो एक्चुअली जो हस्तशिल्प मेला का ये जो वाला गेट देख रहे हैं, एक्चुअल हस्तशिल्प मेला का गेट, तो ये उसका लेफ्ट साइड में पड़ेगा। वैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ कि वो दूसरा साइड है, और ये रहा आपका मेन साइड जहाँ पर हस्तशिल्प मेला का डेकोरेशन बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों का, ताकि आप लोग डेली यूसेज में आप लोग लगा सकते हैं, आपके घर के यूसेज में, आपके ऑफिस की यूसेज में। तो वो मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों का अबाउट नियर अबाउट एक घंटा तो लग ही गया होगा, एज़ बिकॉज वहाँ पर जगह इतना बड़ा है। तो हम लोग घूमते घूमते हम लोग बहुत कुछ देख लिए थे, और बहुत कुछ हम लोग एक्चुअली सिलेक्ट करके रखे थे ताकि हम लोग जाने के टाइम पे हम लोग वो खरीद के लेके फिर हम लोग घर चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि क्या क्या मिलता है यहाँ पर, मतलब अंदर में क्या क्या मिल रहा है वो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ और दिखा रही हूँ। ये सारे जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं ये सारे ऑल आर हैंडमेड। तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर देखने के लिए। तो अगर आप लोगों को ख़रीदना है सच में घर डेकोरेट करने के लिए, डेली यूसेज करने के लिए, फिर से मैं बता रही हूँ आप लोगों को, एक बार जाइए हस्तशिल्प मेला में, आप लोगों को सच में बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि यहाँ पर जो लोग आर्टिस्ट हैं वो लोग सच में दे आर द ग्रेट आर्टिस्ट। आप लोग देख पा रहे हैं वो लोग बैठ बैठ के ही सब कुछ बना रहे हैं, खुद के हाथों से वो लोग सब कुछ बना रहे हैं। हम लोग कुछ कुछ खरीदे और भी बहुत कुछ खरीदना था, क्योंकि हम लोगों को घर में रखने का जगह नहीं है, खरीदेंगे फिर से खरीदेंगे हम लोग, क्योंकि जब तक हम लोगों का घर ठीक ठाक हम लोग कर लेते हैं उसके बाद हम लोग फिर से आएंगे, आके फिर से हम लोग खरीदेंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत कुछ खरीदना था, बहुत हम लोग देखे हैं, बहुत कुछ हम लोगों को पसंद आया था। हम लोग सच में खरीदेंगे, खरीद के हम लोग एक्चुअली घर डेकोरेट करेंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत अच्छा लगा था कि इतना अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा है यहाँ पर। तो वी आर जस्ट सीरियसली बहुत अच्छा लगा था। इस टाइम पे एक्चुअली सौरभ कुछ वीडियोस कर रहे थे, क्योंकि मैं थक गई थी, मेरे दोनों हाथ में कुछ ना कुछ था, हम लोग खरीदे थे तो फिर भी हम लोग देख रहे थे ताकि और भी कुछ खरीद पाए हम लोग की डेली यूसेज के लिए, ताकि हम लोग एटलीस्ट यूज़ कर सके। तो इसीलिए सौरभ ने वीडियो किया और मेरे पीछे पीछे चले, ताकि हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है। तब तक तो पीहू ऑलरेडी सो चुकी थी, क्योंकि वो खा के लंच के टाइम पे एक्चुअली सोई नहीं थी, तो वो सो गई थी और हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ताकि हम लोग को कुछ ना कुछ मिल जाए। तो लेट्स गो।
अभी हम लोग ये सब कुछ देखने के बाद हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगा था, तो हम लोग खाने की जगह पर आ गए हैं। आप लोग देख पा रहे हैं कि कल यस्टरडे सैटरडे था और वीकेंड था, और वहाँ पर इतना ज़्यादा भीड़ था, बाप रे बाप, सच में बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो हम लोग आ गए हैं खाने के लिए, तो लेट्स गो। देख रहे थे ताकि हम लोग अपने घर में सजा के रख सके, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और इतना सब कुछ, मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ आप लोगों को ये मुखोश काइंड मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को सच में बहुत अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा दिख रहा है, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं एक बार।
मेन मेला से निकलने के बाद हम लोग साइड में गए थे, जो लोग साइड में रास्ते के धार में जो लोग बैठे थे, तो उन लोगों के पास जाके हम लोग देख रहे थे कि वो लोग क्या क्या बिक रहा है, या फिर क्या क्या ये लोग मतलब हैंडक्राफ्ट में क्या क्या ये सब है उन लोगों के पास, तो वही हम लोग देखने के लिए हम लोग आगे जा रहे हैं। Thank you.
बाहर वाला एरिया देखने के बाद हम लोग फिर से अंदर चले गए वो रास्ते की जो लेफ्ट साइड वाला मैं जो एरिया बोल रही थी जो बहुत बड़ा करके बैठे हैं, तो वो वाला एरिया पे हम लोग फिर से चले गए थे क्योंकि हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ देखे थे जो हम लोगों को ख़रीदना था, तो वही ख़रीदने के लिए हम लोग फिर से आए हैं। और रात के बहुत एक्चुअली रात हो गया था, 9:30 बज ही रहा था, तो हम लोग उस टाइम गए थे 8:30 बजे तो ऑलरेडी बंद होने वाला है, बोला था कि 8:30 तक इन लोगों का टाइमिंग है कि 8:30 तक बंद हो जाएगा, तो बंद एक्चुअली हुआ नहीं था। इसीलिए हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे और यहाँ से हम लोग कुछ कुछ चीज़ खरीदेंगे, तो इसीलिए फिर से हम लोग आए हैं यहाँ पर वो सारा चीज़ खरीदने के लिए। और कुछ कुछ जो साइट हम लोगों ने नहीं देखे थे तो वो वाला साइट भी हम लोग विज़िट कर रहे हैं। तो यही सब खरीदते खरीदते देखते देखते एक्चुअली हम लोगों ने बहुत कुछ खरीदे थे जो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को, तो इसीलिए सब कुछ देखते देखते हम लोगों का बहुत टाइम हो गया था। 10:30 या फिर 10:45 तक हम लोगों ने वहाँ से निकले थे, एक्चुअली जो 8:30 का टाइम था हम लोग 10:30 या 10:45 में हम लोग वहाँ से निकले और हम लोग घर आए 12 बजे बज गया था हम लोगों का। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों को कि आप लोग जाएं और एक्सप्लोर कीजिए ये हॉस्टल शिल्प वगैरह, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।